वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपको बहुत ही प्यारी सी विंटर फ्रॉक बनाना सिखा रही हूँ दो आ, कोई से भी कलर्स आप सेलेक्ट कर लें और एज़ वी ऑल नो दैट 1.5 पॉइंट फाइव मीटर फैब्रिक इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ लिटिल फ्रॉक अ फ्रॉक फॉर अ लिटिल गर्ल सो आई टुक टू पीसेज एज यू सी दो uh, हैं तकरीबन नाप आपने करना है अपनी जिस बच्ची के लिए आप बना रही हैं दस साल के बच्चों के लिए भी बना सकते हैं फोर एट के लिए मैं बना रही हूँ टू ईयर्स की बच्ची के लिए दोनों की लेंथ और विर्थ मैंने मेजर कर ली है नीचे वाला पोर्शन जो है वो फ्रॉक का नीचे वाला हिस्सा है और ये जो है वो ऊपर इसकी बॉडी है सो इसकी लेंथ और विर्थ आपको नज़र आ रही होगी आप देख सकते हैं अगर आपने टू ईयर्स की बच्ची के लिए ही बनाना है तो आप बना सकते हैं अदरवाइज़ यू कैन मेजर इट विद द किड्स क्लॉथ्स तो यू कैन सी कि मैंने जो मेजरमेंट की है वो उस बच्ची के लिहाज से है जिसके लिए मैं बना रही हूँ सो so, दो दो पीसेस हैं इस तरह हम इनको आपस में जोड़ेंगे नीचे क्योंकि चुंटे डालनी है तो जितना नाप आपकी शर्ट का होगा उससे आपने डबल कपड़ा लेना है ठीक है नीचे बनाने के लिए क्योंकि हम उसमें जो है वो चुनट डालेंगे तो उसके लिए हमें डबल कपड़ा चाहिए होगा सो रिमेंबर दिस कि आपको हमेशा डबल कपड़ा चाहिए होता है फ़्रॉक के लिए ये फ्रेंड्स कुछ एक्स्ट्रा पीस मेरे पास पड़ा हुआ था घर में पड़ा हुआ था मैंने इसको आपस में जोड़ के स्लीव्स uh, की तरह इसको मैंने यूज़ uh, करना है तो मैं आपको बता देती हूँ आपको ऑलरेडी पता है कि हम स्लीव्स किस तरह कट करते हैं ऊपर रख के और हमने इसको कट कर देना होता है अगर आप इसको मेजर कर लेते हैं कि तकरीबन थ्री क्वार्टर जो है वो स्लीव्स मैंने बनाए हैं तो आपको पता है कि आप साइडों से ऐसे कट कर लेते हैं और फिर आपने इस तरह इधर लगा लेना है मेजर आपने अपनी जिस बच्ची की आप बना रहे हैं उसकी शर्ट रख के आप उसको मेजर करके कटिंग कर सकते हैं ये जो दो हैं ये मैंने पॉकेट्स लगानी हैं ठीक है सो उसकी मेजरमेंट भी आप देख लीजिए दोनों का सेम होता है ठीक है चौड़ाई में जो है लंबाई में ज़्यादा होते हैं दो इंच और चौड़ाई में ये इस तरह होते हैं ठीक है बॉक्स किधर बने होते हैं तो इनकी मेजरमेंट आप देख सकते हैं कि कितनी होगी बड़े बनाना चाहते हैं तो आप बड़े रख लें छोटे बनाना चाहते हैं छोटे रख लें ये एक लॉन्ग स्ट्रिप है मेरे पास ये मैंने गले पे लगानी है जो डिज़ाइन मैं बनाऊंगी उसके लगाने के लिए मुझे एक लॉन्ग स्ट्रिप चाहिए जो कि मैंने येलो कलर की ही ली है ये पट्टी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी होनी चाहिए अब अगर मैं आपको बताऊँ मैंने कितनी ली है तो मेजर कर लेते हैं इसको तो ये तकरीबन काफ़ी ज़्यादा सारी मैंने ले ली है क्योंकि फ्रेंड्स ये हमने गले पे जो है चुनट की फॉर्म में बनानी है ये दो स्ट्रिप्स मैंने आ, सेम फ्रॉक कलर के लिए हैं आप कलर कंट्रास्ट आपकी अपनी मर्जी है ठीक है थ्री इंचेस विर्थ और लेंथ तकरीबन अलेवन इंचज़ दो स्ट्रिप्स ले लिए ये मैंने लगाई फ्रेंड्स बाजुओं पर ठीक है बाजुओं के आगे मैंने जाने बना के लगानी है रफल्ट बनाना है ठीक है इस तरह चुनटे पड़ जाएंगी डबल कपड़ा चाहिए होगा जितना नाप होगा उससे डबल कपड़ा ले लीजिए जैसे कि अगर एक शर्ट होती है तो उसका हम डबल ले लेते हैं क्योंकि हमने चुनटों वाली फ़्रॉक बनानी होती है यहाँ स्लीव्स लग जाएंगे सेम एग्जैक्टली वही मेजरमेंट कीजिएगा जो बच्चे की कमीज़ की होगी ये कपड़ा जो है वो आपका ऊपर स्ट्रिप्स पे आ जाएगा ये आपके दो पॉकेट्स बन जाएंगे और इस तरह हमारी बहुत ही प्यारी सी विंटर फ्रॉक तैयार हो जाएगी क्योंकि अब विंटर्स आ रही हैं तो उससे पहले हम लोग एक अच्छी सी प्यारी सी फ्रॉक आपको सिखाना चाह रहे थे ये एक्चुअली पॉकेट्स फ्रॉक है और बहुत ही क्यूट लगती है आपके घर में अगर बचे हुए कपड़े पड़े हैं तो आप उनसे भी बना सकते हैं जैसे कि मैंने घर में पड़े हुए कपड़ों के साथ ये बनाई है तो फ्रेंड्स इसकी लेंथ और ब्रेड मेजर करने के बाद आप बेशक वो वाला कपड़ा रख के और आप इसको तकरीबन इस तरह से दो इंच का फासला करके दोनों साइडों से आप गोल काट लेंगे गला आपने इस तरह काट लेना है ठीक है इस तरह फ्रेंड्स फिर आपने फोर तकरीबन करके और वहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे इसी तरह एग्जैक्टली यहाँ से भी सेम वही चीज़ होगी फ़ाइव इंचेस का डिस्टेंस रख के मैंने इसके स्लीव्स काट लेने हैं अब ये जो चीज़ जो मैं कर रही हूँ मेजर करके कर रही हूँ आप इसे कमीज़ ऊपर रख के भी इसकी कटिंग कर सकते हैं गले की और इसके स्लीव्स की और आप चाहे तो आप मेजरमेंट लेके भी कर सकते हैं सो so, दोनों तरीके हो सकते हैं जैसा आप करना चाहते हैं कर सकते हैं आप याद रखें जो बॉडी होती है ऊपर वो अगर तो आप फ्रॉक बना रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होगी ठीक है हाफ़ शर्ट जो होती है अगर बच्चे की जो शर्ट है उसकी हाफ होगी और अगर आप दूसरी वाली बना रहे हैं अगर सिंपल कमीज़ बना रहे हैं तो उसकी ऑब्वियसली बॉडी जो है वो थोड़ी नीचे होगी ये फ्रेंड्स अब जो फ्रंट वाला पोर्शन है उसको मैं थोड़ा सा जो डिज़ाइनिंग करूँगी उसकी तो मैं बीच से पोर्शन काट लूँगी यहाँ से हम कट लगा देंगे क्योंकि यहाँ हमने लगानी है रफ़ल्ड लेस ठीक है वो जो येलो लॉन्ग स्ट्रिप मैंने काटा था वो यहाँ गले पे और यहाँ पे लग जाएगी और ये जो है वो इसका बैक साइड हो जाएगा ठीक है इस तरह आपने इसको तैयार कर लेना है चलिए फ्रेंड्स अब हम क्या करते हैं सबसे पहले हम अपने जेब बना लेते हैं अब जेब आप नीचे से देख सकते हैं मैंने थोड़े से फोल्ड कर लिए हैं और जेब का जो पूरा है कपड़ा इसको पहले मैं साइडों से इसको मैं स्टिच कर लूँगी और फिर इन दोनों को सीधा करके आपने रख लेना है ऊपर से आप देख सकते हैं मैंने फोल्ड किया था ये आपका जेब जो है वो तैयार हो चुका है पॉकेट इज रेडी ये हमारा इस तरह दूसरा पॉकेट भी तैयार होगा दोनों की मेजरमेंट याद रखिएगा सेम होनी चाहिए वो बिल्कुल भी इधर उधर ना हो अब फ्रेंड्स जो नीचे वाला पोर्शन था जो फ्रॉक वाला पोर्शन था वो आप देख सकते हैं कि एक साइड से मैं पतली वाली जो है मैंने पाइपिंग कर ली है ठीक है और जो दूसरी ऊपर वाली साइड है इसको हम चौड़ाई कर मतलब इसको हम पहले एक स्टिचिंग दे रहे हैं और इसके बाद हम जो धागा होता है डबल धागा हो, धागा होता है उसमें हम फिरकी वाले धागे को खींच में इसमें थोड़ी थोड़ी चुनटे डाल लेंगे और इस तरह हमारी जो है फिर हम इसको अटैच करेंगे अपनी ऊपर वाले शर्ट के साथ ये फ्रेंड्स आपने इस तरह कर ली धागा थोड़ा लंबा काट लीजिएगा अब आपने करना ये नीचे देख सकते हैं आप कि मैंने नीचे से थोड़ा सा फोल्ड करके उसको मैंने स्टिच किया हुआ है और ऊपर आपने सिर्फ एक सिलाई लगानी है और जो फिरकी वाला धागा होगा ठीक है फिरकी वाले धागे को आपने पकड़ के इस तरह आपने इसके अंदर चुनटे डाल लेनी है इसका फ़ायदा फ्रेंड्स ये होता है कि जब आप चुनटे लगाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी आती हैं और ज़्यादा चुनटे दिखाई दे देती हैं और अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि आ, कितना कपड़ा होना चाहिए तो अगर आप फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन जितनी भी ईयर्स की लड़की का बना रहे हैं उसकी जो शर्ट होगी ठीक है उसकी जो चौड़ाई होगी उसकी आप डबल ले लें डबल कमीज का कपड़ा लेके आपने डबल कपड़ा यूज़ करना है ताकि चुनटे ज़्यादा बने तो ये मैंने डबल ले लिए इस तरह फ्रेंड्स इसको मैं स्टिच करूँगी और इसको मैं शर्ट के साथ जोड़ दूँगी जिस तरह हमने यहाँ पे चुनटे डाली हैं उसमें भी हम इस तरह चुनटे डाल लेंगे अब ये फ्रेंड्स स्लीव्स हैं मैं आपको स्लीव्स बनाना सिखा देती हूँ पहले आपने इसको करना है स्टिच ये फ्रेंड्स हो गया अब जो स्ट्रिप मैंने ली थी इसको आपने सी लेना है पहले ठीक है अब मैं आपको बताती हूँ इसकी रफ़ल्ड लेस कैसे बनाएंगे हम और इसको रफ़ल्ट करने के बाद हमने इसको स्लीव्स के साथ अटैच करना होगा तो मैं आपको बहुत ही स्लोली दिखा रही हूँ ताकि आपको हर स्टेप जो है वो अच्छे से समझ आ जाए अब ये करने के बाद उसी तरह फिरकी का जो धागा है उसको आप खींचेंगे और इसके अंदर आपने चुनटे डाल लेनी है ठीक है इसको आपने स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है चुनटे इसमें ऐसे ही पड़ जाएंगी तो ये आपकी ये तैयार हो जाएगी अभी आपकी एक रफल लेस टाइप बन गई है और अब आप आपने इसको स्लीव्स के ऊपर अटैच कर लेना है दोनों स्लीव्स को सेम इसी तरह बनाइएगा जितनी आपको लॉन्ग चाहिए आप बना सकते हैं आ, पहले बना लें उसको लगा लें और फिर अगर एक्स्ट्रा बच जाती है तो उसको आप बेशक काट सकते हैं ठीक है ऐसा करने के बाद आपने इसको स्लीव्स में दरमियान में मैं इसलिए करी हूँ क्योंकि क्यों क्यों साइडों से देखें स्टिचिंग हो जाएगी तो वो बंद हो जाएगा इक्वली इसको रफल्ड कीजिएगा ये फ्रेंड्स तैयार हो चुकी है इसी तरह दूसरी मैं ऑलरेडी तैयार कर चुकी हूँ जेब भी हमारे पॉकेट्स भी तैयार हो चुके हैं अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने पॉकेट्स कैसे लगाने हैं यहाँ पे आपने पॉकेट रखना है और फिर आपने इसकी स्टिचिंग कर लेनी है ऊपर से ठीक है इस तरह हमारी जो है मतलब बाहर से आप स्टिचिंग करेंगे तो वो उसके ऊपर अटैच हो गई ये देख सकते हैं आप मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने इसको किस तरह स्टिच करना है जगह देख लीजिएगा दोनों का सेम जो है लोकेशन हो ऐसे रख के आपने और इसको आपने धागा रिमेंबर फ्रेंड्स कि आपने देखें ऊपर येलो लगा हुआ है जब आप पॉकेट्स और येलो कपड़ा ये, स्टिच करने लगेंगे तो अपनी पॉकेट जो है अपना जो धागा है आपके जो आम, थ्रेड है उसको आपने चेंज कर लेना है फ्रेंड्स पॉकेट्स लग चुकी हैं अब मैं ऊपर जो बॉडी है वो बनाना आपको सिखा देती हूँ एज वी ऑलरेडी नो कि हम सबसे पहले शोल्डर्स को आपस में अटैच करते हैं ठीक है अटैच करने के बाद हम उस पर स्लीव्स लगाते हैं तो हम एक साइड ऑलरेडी कट कर चुके थे मैं वो आपको बता देती हूँ आपने उसमें कैसे डिज़ाइनिंग डालनी है अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी जो शर्ट है उसको मैं अब आपको रेडी करना बताऊँगी ये देखिए मैंने रफड़ लेस बनाई है जो मैंने लॉन्ग स्ट्रिप एक काटी थी वो मैंने बिल्कुल वैसे ही रफड़ लेस बना ली है जैसे मैं अभी आपको ऑलरेडी दिखाई बीच में सिलाई करके उसके आपने धागे को खींचना है वो इस तरह तैयार हो जाएगी अब ये लगाऊंगी मैं यहाँ पे गले पे लेकिन उससे पहले ये है कि मैं गले को पहले एक रिफ़ाइन लुक दे दूँगी उसकी मैं थोड़ी सी कटिंग कर लूँगी ठीक है मैं आपको दिखा देती हूँ आपने किस तरह करनी है इतना हो कि सर से जो है वो नीचे ईजीली चली जाए तो पहले मैं इसको थोड़ा सा रिफाइन कर लूँगी और उसके बाद मैं इसके ऊपर जो है वो रफर लेस लगा लूँगी अब फ्रेंड्स ये लगाने के साथ क्योंकि मैंने गला बनाना है तो थोड़ा सा आप जगह छोड़ दीजिएगा ताकि गले की जो पाइपिंग है वो हम कर लें वो हम करेंगे ब्लैक कलर के कपड़े से ताकि उसको एक बहुत ही खूबसूरत सी एक लुक मिल जाएगी ये अब आपने बिल्कुल जो है वो साइड से करनी है ठीक है देखें जो मैं साइड से निकाल के इसके ऊपर स्टिचिंग रही हूँ ताकि एक बहुत ही प्यारी सी लुक आ जाएगी ना फ्रेंड्स ये मैंने कुछ एक लॉन्ग टू इंचेस वृथ की एक ब्लैक uh, कलर का uh, कपड़ा लिया है ठीक है अब ये जो ऊपर गला है ठीक है वहाँ मैं इसको पहले उसके साथ स्टिच कर रही हूँ ये लॉन्ग स्ट्रिक स्ट्रिप जो है वो आप इतनी मेजरमेंट का ले लीजिएगा कि आपके गले में पूरा आराम से पूरा आ जाए पहले आपने इसको uh, सिर्फ स्टिच करना है और उसके बाद हम इसको फोल्ड करके इसकी पाइपिंग कर लेंगे इसकी जो तुरपाई होती है वो कर लेंगे नो no फ्रेंड्स अब ये एक स्ट्रिप लगाई है मैंने जहाँ से मैंने कट किया हुआ था ठीक है स्ट्रिप लगाने के बाद ये आप देख सकते हैं मैंने ब्लैक इधर भी लगाया है और यहाँ पे भी लगाया और दूसरी साइड पे मैंने एक स्ट्रिप लगा ली है इस स्ट्रिप को मैं फोल्ड करूंगी और उसके साथ मैं जोड़ दूंगी आप देख सकते हैं गले के अलावा जो रफल्ड मैंने येलो कलर की लेस बनाई है वो मैंने इधर भी लगाई है और कपड़ा मैंने इधर भी अटैच किया है दूसरी साइड पे आपने सिर्फ एक छोटा सा स्ट्रिप इसी कलर का जिस तरह की आपकी फ़्रॉक है उस तरह का लगा के आपने उसको इस तरह बंद कर लेना है और फिर हम इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे अब ये जो ब्लैक कपड़ा है फ्रेंड्स यहाँ से भी मैं फ़ोल्ड करके जैसे मैंने गले से फ़ोल्ड करके गला बना लिया था इसको भी मैं अच्छे से स्टिच कर लूँगी ये फ्रेंड्स हमारा रेडी हो चुका है आप चाहे तो आप इसे सुई धागे से भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इसके ऊपर एक स्टिच स्टिचिंग जो है वो मशीन से भी लगा सकते हैं इस तरह ये आपस में जुड़ जाएगा और आपकी जो बॉडी है वो तैयार हो जाएगी अब मैं इसके साथ फ्रेंड्स स्लीव्स को अटैच कर लूँगी फ्रेंड्स ये हमारे तैयार हो चुके हैं अब जो नीचे है मैंने इस बेस को जो है वो इस बॉडी के साथ मैंने स्टिच कर लेना है इस तरह हमारी जो फ़्रॉक है वो आपकी रेडी हो जाएगी इसको स्टिच करने के बाद आपने साइडों से जो है वो इसको बंद कर लेना है स्टिच करके ये फ्रेंड्स मैंने कट करके मैं इसको कर रही हूँ ठीक है दूसरी साइड पे भी आप इस तरह इसको अटैच कर लें इस तरह फ्रेंड्स ये आपकी प्रॉ जो है वो रेडी हो चुकी है विद पॉकेट्स बहुत ही क्यूट लग रही है ये कलर कॉम्बिनेशन आपकी मर्जी है ये मेरे पास दो कुछ बुकरम से मैंने हार्ट्स बनाए थे बुकरम और फैब्रिक आपको पता है पहले चिपकाते हैं और चिपकाने के बाद हमारे पास वो रेडी हो जाता है तो आप कोई सी भी शेप बना के इसके ऊपर लगा सकते हैं मैंने हार्ट बनाया है साइडों से मैं इसको ग्लू गन लगा के इसको मैं इसके साथ अटैच कर लूँगी इसके पॉकेट्स के ऊपर लगा दूंगी तो ये आपकी फ्रेंग, फ्रॉक फ्रेंड्स रेडी हो चुकी है आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा याद रखें मेजरमेंट आपने एग्जैक्टली वैसी लेनी है जैसे आपकी जिस बच्ची का आप बना रहे हैं Uh, सात साल की भी होगी या तीन साल की भी होगी तो उसकी शर्ट से आपने प्रॉपर मेजरमेंट ले लेनी है जैसे मैंने ली है सो so, ये इतना बड़ा इशू नहीं है तो so, बहुत इजीली मेजरमेंट ली जा सकती है मैंने आपको बता दिया देखिए जो बॉडी होती है वो कहाँ तक होती है और फिर नीचे से आपने कितना कपड़ा लेना है ठीक है फ्रॉक बनाने के लिए हमेशा हमें दो कमीज़ों का कपड़ा चाहिए होता है आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी क्योंकि पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग्ला हाफिज़